Question is, a trader marks his goods 45% above cost price and gives a discount of 20% on the mark price. So the gain percent on goods he makes is how much? Question में कहा गया है कि trader यहाँ पर goods को cost price से 45% above mark करता है और यहाँ पर ये mark price पे 20% का discount देता है. तो इसको यहाँ पर कितना profit हुआ होगा ये हमें find करना है. So यहाँ पर हम goods के cost price को मान लेते हैं 100 units और मार्क का परसेंटेज हमें यहाँ पर गिवन है 45% का. सो 100 का 45% होता है 45 यूनिट्स. दैट मींस मार्क प्राइस हमारे पास है 145 यूनिट्स. नाउ इसके बाद मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है. सो 145 का 20% होता है 29 यूनिट्स. सो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा 116 यूनिट्स. नाउ सेलिंग प्राइस है 116 यूनिट्स और कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट्स. सो यहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है 16 यूनिट्स का. सो इस 16 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है हमें इस 100 यूनिट्स पे. सो अगर यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ रहा है 16% का. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 16% प्रॉफिट.